हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। डॉक्टर पी के प्रभाकर। आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग तरह के डायबिटीज के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे डायबिटीज होता क्या है। डायबिटीज एक कंडीशन है जिसमें यूरिन आउटपुट नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा होती है। अगर एक नॉर्मल पर्सन रफली 1.5 लीटर से 2 लीटर के लगभग यूरिन आउटपुट करते हैं, बट इन केस ऑफ डायबिटीज मोर देन द 1.5 टू 2 लीटर यूरिन आउटपुट होते हैं, उसको हम डायबिटीज कंडीशन बोलते हैं। तो डायबिटीज को बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं दो तरीके में, दो पार्ट में। वन, एक को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, जो वैसोप्रेसिन और एडीएच हार्मोन के अभाव में होता है। इफ बॉडी लैक्स एडीएच हार्मोन, वैसोप्रेसिन और एंटी डायबिटिक हार्मोन नहीं होगा तो डायबिटीज इंसिपिडस होगा, जिसमें यूरिन आउटपुट ज्यादा होगी। दूसरा होता है बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी और इनफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। दोनों हार्मोन के कारण ही होता है, बोथ आर हार्मोनल डिसऑर्डर्स। एक में इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज ज्यादा यूरिन में आएगा, तो यूरिन की कलर, यूरिन की जो टेस्ट होगी वो स्वीट होगी, तो इसको डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। मेलाइटस मीन्स मीठा होता है, स्वीट होता है। इंसिपिडस मीन्स साइफनिंग, ज्यादा आउटपुट होना। अब हम एक एक करके दोनों सारे डायबिटीज को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है। ये हमारा नॉर्मल नेफ्रॉन का पिक्चर है, जिसमें हम देखते हैं नॉर्मल नेफ्रॉन में अलग अलग सेक्शंस होते हैं। पहला हमारा एक बोमेंस कैप्सूल होता है, उसके बाद हमें प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल्स दिखता है, फिर लूप ऑफ हेनले होता है, फिर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल्स होता है, और फिर होता है कलेक्टिंग डक्ट। एक सब यहाँ हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, तो ये हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करता है, फिल्ट्रेट करता है। फिल्ट्रेशन की जो स्पीड होती है वो होती है 125 ml/min। मीन्स हमारा किडनी एक नेफ्रॉन या नेफ्रॉन 125 ml ब्लड को फिल्टर करता है, या फिल्ट्रेट बनता है 125 ml/min। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 24 आवर्स में इन फुल डे 180 लीटर का फिल्ट्रेट बनता है इसमें, जो यूरिन बनने के लिए रेडी है। बट एक नॉर्मल इंसान 180 लीटर यूरिन आउटपुट नहीं करता है। यूरिन आउटपुट जो हम करते हैं वो होता है 1.5 टू 2 लीटर। तो बाकी का 177 टू 178 लीटर का होता क्या है? वो 177 टू 180 लीटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, वापस हम ले लेते हैं ब्लड सर्कुलेशन में। अब ये रीअब्जॉर्प्शन वापस ब्लड में कैसे जाता है, उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं वाटर रीअब्जॉर्प्शन सिस्टम। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है यही एडीएच हार्मोन। अगर हमारे पास एडीएच हार्मोन होगा तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन सही तरीके से होगी, और अगर एडीएच नहीं होगा तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। मींस अगर आपके पास एडीएच हार्मोन है तो यूरिन आउटपुट कम होगा, बिकॉज हम वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर एडीएच हार्मोन नहीं है तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, फिर यूरिन ज्यादा बनेगा। तो यूरिन ज्यादा बन इंसिपिडस डायबिटिक इंसिपिडस में हमारे पास एडीएच का अभाव हो जाता है, तो यूरिन आउटपुट ज्यादा हो जाता है। अब ये करता क्या है तो वो हम मैकेनिज्म डिटेल देखते हैं आगे में। अब दो कंडीशंस नॉर्मली हमारे बॉडी में वाटर का लेवल मेंटेन रहता है, बैलेंस रहता है। दो कंडीशन हो सकता है, या तो हमारा वाटर का लेवल नीचे जाएगा या फिर वाटर का लेवल ज्यादा होगा। अगर हमारा वाटर का लेवल ज्यादा हो जाता है मोर देन द नॉर्मल तो क्या होगा? जब हमारे बॉडी में वाटर की लेवल ज्यादा हो जाती है तो हम उतना वाटर रख नहीं सकते बॉडी में। अब इस जैसे हमने 2 लीटर पानी पी लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर से 7 लीटर हो जाएगा। हम एक्स्ट्रा वाटर को निकालते हैं बॉडी से, तो निकालने के लिए हमें वाटर को यूरिन के थ्रू निकालना पड़ेगा, और यूरिन को निकालने के लिए हमें एडीएच हार्मोन की एक्टिविटी को बंद करना होगा। हमें बॉडी को एडीएच हार्मोन की रिक्वायरमेंट कम होती है तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, तो यूरिन आउटपुट ज्यादा हो जाता है। तो जब लेवल यूरिन का ज्यादा हो जाए, वाटर का लेवल ज्यादा होगा तो यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा, एडीएच का लेवल कम हो जाएगा। बट अपोजिट क्या होता है, जब हमारे पास वाटर का लेवल नीचे चला गया, बॉडी डिहाइड्रेट हो गया, या फिर बिकॉज ऑफ इंजरी, बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ डैमेज, वोमिटिंग, डायरिया, जब बॉडी डिहाइड्रेट हो गया, बॉडी में वाटर कम है, हमें बॉडी में वाटर रिटेन करने की जरूरत पड़ती है, तो बॉडी को चाहिए ज्यादा एडीएच। बिकॉज एडीएच आपको पता है एडीएच वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, वाटर में बॉडी में रखने में मदद करता है। तो जितना ज्यादा एडीएच होगा उतनी बॉडी में वाटर रिटेन होगा। सो दिस इज हाउ एडीएच हेल्प्स अस इन द वाटर होमियोस्टेसिस।
When body is having sufficient amount of water, more amount of water, ADH level goes down. जब बॉडी में वाटर कम होता है तो ADH level goes up. अब ये काम कैसे करते हैं ADH? जब ही हमारे पास roughly यहाँ हमारे पास ये किडनी का पार्ट है, here we are having 180 liter of water. अब जब बॉडी को वाटर की भी एब्जॉर्प्शन करनी है तो क्या होगा, ब्लड के थ्रू पिट्यूटरी प्रोड्यूस करता है वैसोप्रेसिन और ADH हार्मोन. वो ADH हार्मोन थ्रू ब्लड इट कम्स टू द किडनी नेफ्रॉन. ऑन द नेफ्रॉन्स वॉल वी आर हैविंग वैसोप्रेसिन रिसेप्टर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड V2 रिसेप्टर. ADH ये रिसेप्टर जो है दैट इज GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है जो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स का होता है. तो एज सून एज दिस वैसोप्रेसिन बाइंड्स टू दिस रिसेप्टर, ये एक्टिवेट करता है जी प्रोटीन को. जी प्रोटीन अल्टीमेटली एक्टिवेट करता है एडीनिलेट साइक्लेज को, हमें मिलता है साइक्लिक एएमपी. अब इस साइक्लिक एएमपी जो सेकेंडरी मैसेंजर है ये काम करता है सेक्रेटरी वेसाइकल पे, जिस वेसाइकल पे जो वेसाइकल है जिसपे पास होता है एक्वापोरिन 2. अब एक्वापोरिन मीन्स वाटर का चैनल जो वाटर को मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह. हमारे बॉडी में टोटल 4 तरह के एक्वापोरिन्स होते हैं, एक्वापोरिन 1, 2, 3, 4, जो अलग अलग जगह पे प्लेस्ड होते हैं. किडनी में जो होता है हमारे पास वो एक्वापोरिन 2 होता है. सो बिकॉज ऑफ दिस साइक्लिक एएमपी एक्वापोरिन 2 जो नॉर्मली साइटोप्लाज्म में होते हैं वो मूव कर जाते हैं किडनी के वॉल पे टुवर्ड्स द ल्यूमेन. अब जब एक्वापोरिन 2 मूव किया यहाँ पे तो वाटर चैनल आ गया, एक्वापोरिन 2 इज ए वाटर चैनल. तो वाटर विल मूव थ्रू दिस वन, सो 180 लीटर वाटर मूव करेगा यहाँ से और इट विल मूव टू द ब्लड सर्कुलेशन. यहाँ एक्वापोरिन 2 होता है, यहाँ होता है एक्वापोरिन 3 और एक्वापोरिन 4. तो ये वाटर एक्वापोरिन 2 से इंटर करके एक्वापोरिन 3 और 4 के होते हुए सर्कुलेशन में जाता है, तो वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया. अब कंडीशन हम देखते हैं जब हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास वैसोप्रेसिन नहीं है या वैसोप्रेसिन नहीं काम कर पा रहा है, तो वैसोप्रेसिन यहाँ नहीं होगा तो साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा. साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा तो ये मूव नहीं करेगा इधर को. जब ये मूव यहाँ नहीं करेगा तो नो वाटर एब्जॉर्प्शन, तो यूरिन आउटपुट 180 लीटर जो था वो कम एब्जॉर्ब होगा और मैक्सिमम यूरिन आउटपुट होगा. तो व्हेन वी डोंट हैव वैसोप्रेसिन और वैसोप्रेसिन इज नॉट एबल टू वर्क, मोर यूरिन आउटपुट विल बी देयर. दिस इज कॉल्ड एज डायबिटीज इनसिपिडस. तो बेसिकली देयर आर 3 इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई डायबिटीज इनसिपिडस इज गोइंग टू कॉज. तो 3 अलग अलग तरह के डायबिटीज इनसिपिडस हो सकते हैं हमारे पास. पहला सेंट्रल डायबिटीज इनसिपिडस, दूसरा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इनसिपिडस, तीसरा गेस्टेशनल डायबिटीज इनसिपिडस. सेंट्रल डायबिटीज इनसिपिडस इज बिकॉज ऑफ लेस प्रोडक्शन ऑफ एन एबीपी वैसोप्रेसिन हार्मोन. जब वैसोप्रेसिन हार्मोन बनेगा ही कम तो ऑब्वियसली वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम होगा और मोर यूरिन आउटपुट होगा. दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रल टाइप ऑफ, मेन टाइप ऑफ डायबिटीज इनसिपिडस. दूसरा होता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इनसिपिडस, जहां हमारे पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ वैसोप्रेसिन हार्मोन है बट किडनी रिस्पॉन्स नहीं करता. किडनी नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज, नॉट एबल टू अलाउ वैसोप्रेसिन एबीपी टू बाइंड देयर, सो वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा. वी आर नॉट लैकिंग एबीपी वैसोप्रेसिन बट दे आर नॉन रिस्पॉन्सिव, सो दैट इज कॉल्ड नेफ्रोजेनिक. एंड तीसरा होता है ड्यूरिंग गेस्टेशन, बिकॉज समटाइम प्लेसेंटा इज गोइंग टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक हार्मोन एंजाइम्स दैट इज कॉल्ड वैसोप्रेसिनेज which degrades this vasopressin. तो vasopressin बनता है but वो degrade कर देते हैं जिससे vasopressin की activity कम हो जाती है, तो water reabsorption कम होगा, urine output ज्यादा होगा. So ये 3 अलग अलग तरह के diabetes insipidus होते हैं. अब ये हुआ diabetes insipidus. अब हम देखते हैं diabetes mellitus. diabetes mellitus जैसा नाम से हमें पता है कि it is caused because of it leads to स्वीट यूरिन. अब यूरिन स्वीट कैसे होगा, बिकॉज ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का रेगुलेट हमारे बॉडी में कौन करता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज कॉल्ड इंसुलिन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स. ये इंसुलिन नॉर्मली वर्क्स करता है एक की तरह. तो जब ये सेल पे बाइंड करता है तो एक गेट खुलता है या वो गेट ओपन होता है जिसके थ्रू ग्लूकोज इंटर करता है. तो इंसुलिन वर्क्स एज ए की फॉर ग्लूकोज चैनल. तो जब हमारे पास इंसुलिन सफिशियंट है या इंसुलिन बाइंड करता है तो चैनल खुलेगा. इफ यू डोंट हैव इंसुलिन और इंसुलिन यहाँ बाइंड नहीं कर पा रहा है
ये गेट नहीं खुलेगा तो ग्लूकोज इंटर नहीं करेगा, तो ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है। तो इफ यू डोंट हैव इंसुलिन और इंसुलिन नहीं काम कर पा रहा है तो आपकी ग्लूकोज की लेवल ब्लड में बढ़ जाएगी, सेल्स नहीं यूज कर पाएगा, तो वही हमें डायबिटीज मेलाइटस कॉज करता है। सब अब हम देख रहे हैं अलग अलग तरह के डायबिटीज मेलाइटस। पहला टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, ये एक नॉर्मल इंसान के केस में होता है। नॉर्मली पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स इज गोइंग टू प्रोड्यूस इंसुलिन, ये इंसुलिन हमारे पास सफिशियंट अमाउंट में नॉर्मली प्रोड्यूस होता है और इंसुलिन बाइंड करता है सेल्स पे, ग्लूकोज की चैनल को ओपन करता है, गेट को ओपन करता है, तो ग्लूकोज सेल के अंदर में पहुंचता है और सेल मेटाबोलाइज करता है, ये नॉर्मल इंसान में होते हैं। बट किसी भी कारण से अगर पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स डैमेज हो गया तो हमारे पास जो वो सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं वो सेल्स नहीं है। जब हमारे पास वो सेल्स नहीं होंगे तो इंसुलिन कम बनेगा, सो नो इंसुलिन और लेस इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड। जब इंसुलिन ही नहीं है तो ग्लूकोज का चैनल गेट ओपन ही नहीं होगा, तो ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा नहीं, ये सारे क्योंकि सारे ग्लूकोज ब्लड में रहेंगे तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है और सेल को ग्लूकोज का अभाव हो जाता है। सो सेल को ग्लूकोज मिलता नहीं है, ब्लड में ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा होती है, तो जो हमें अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस देते हैं। द थिंग मेन थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज दिस टाइप 1 डायबिटीज इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स। मेनली ये कॉज होता है हमारे इम्यून सिस्टम के कारण, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनोजेनिक ऑटो एंटीबॉडीज। हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम एक एंटीबॉडी बनाता है जो पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स को डैमेज कर देता है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में हमारे बॉडी में भी नॉर्मली यही होता है, बट इन दिस केस बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन, पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस लेस इंसुलिन, बट दैट इंसुलिन इज नॉट एबल टू वर्क। ये इंसुलिन तो बनता है बट ये काम का नहीं होता, ये सही से जाके चाबी पे बाइंड नहीं करता। मेरे पास चाबी तो है बट सही चाबी नहीं है, सही जगह लगाने नहीं, गलत चाबी ताले पे हम लगा रहे हैं, तो इसके कारण चाबी खुले ग्लूकोज की एंट्री सेल में नहीं हो पाएगी। तो हमारे पास ग्लूकोज इंसुलिन होता है बट वो काम नहीं कर पाता है। अब अंतर क्या हुआ, इन केस ऑफ टाइप 1 जहां इंसुलिन है ही नहीं, बन ही नहीं रहा, तो वहां आदमी को डायबिटिक पर्सन को इंसुलिन बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है, तो वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बॉडी में होता है बट ये काम नहीं कर पाता, तो हमें इंसुलिन की जरूरत यहाँ नहीं है, यहाँ हमें इंसुलिन को एक्टिवेट करना पड़ता है, हमें चाहिए दूसरे तरह की चीजें। तो दोनों में एक इंसुलिन डिपेंडेंट है, दूसरा इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। एक तीसरे तरह का डायबिटीज मेलाइटस होता है जिसको बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जो नॉर्मली प्रेगनेंसी के केस में होता है, रफली 24 to 28th week ऑफ प्रेगनेंसी के केस में होता है, और जितने भी प्रेगनेंसी होती है रफली 3 to 8% ऑफ प्रेगनेंट वुमेन में केस में ये होता है। बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अलग अलग तरह के हार्मोन्स हमारे बॉडी में बनते हैं, मेनी हार्मोन्स बनते हैं जो प्रेगनेंसी में गेस्टेशन को सपोर्ट करता है, उस हार्मोन्स के कारण ग्लूकोज लेवल इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन इम्बैलेंस हो जाता है। तो उस इफ दिस इज ए कंडीशनल, ये कुछ समय के लिए होता है कि आफ्टर बेबी बर्थ होने के बाद, आफ्टर बर्थ के बाद नॉर्मल मदर विल बी नॉर्मल, शी विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डायबिटीज, बट बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सी हैड डायबिटीज मेलाइटस एंड इट विल अफेक्ट द बेबी ऑल्सो, बेबी मे बी ओबीज होते हैं, तो इसको बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस और GDM, ये जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं। एक अलग तरह का डायबिटीज मेलाइटस है जिसको बोलते हैं टाइप 1.5 डायबिटीज मेलाइटस। सो ना तो ये एक डायबिटीज है टाइप 1 है, ना ये टाइप 2 है, दिस इज टाइप 1.5 डायबिटीज मेलाइटस। इसको हम डबल डायबिटीज या हाइब्रिड डायबिटीज भी बोलते हैं, इसको और भी अलग नाम है, इसको बोलते हैं लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट्स, और इट इज ऑल्सो नोन एज कीटोन प्रोन डायबिटीज मेलाइटस। एक्चुअली टाइप 1.5 को दो अलग अलग कैटेगोरी है, एक को लाडा बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं कीटोन प्रोन डायबिटीज मेलाइटस। दिस टाइप 1.5 में दोनों तरह के फीचर्स होते हैं, टाइप 1 का भी डायबिटीज मेलाइटस का फीचर होता है, टाइप 2 का भी होता है, इसीलिए इसको हम इसके बीच में रखते हैं 1.5। ये टाइप 1.5 शुरू होता है ऑटो इम्यूनिटी से, ऑटो इम्यूनिटी मतलब टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस शुरू होता है टाइप 1 से, बट स्लो है टाइप 1 से, धीरे धीरे होता है और बाद में जाके ये टाइप 2 बन जाते हैं। सो शुरू होता है टाइप 1 से और लेटर ऑन इट विल बी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। अब टाइप 2 में नॉर्मली अगर हम लाइफ स्टाइल और डाइट को चेंज करते हैं तो हमें डायबिटीज मेलाइटस को मैनेज कर पाते हैं, इस केस में ऐसा नहीं होता बिकॉज हमने पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स हैज बीन डैमेज। जब आपने बीटा सेल्स को डैमेज कर लिया तो डाइट चेंज करके और लाइफ स्टाइल को चेंज करके आप
रिकवर नहीं कर पाते हैं। इस केस में अगर हमने इसको छोड़ दिया, नहीं ट्रीट किया, तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है। अब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है बिकॉज डायबिटिक के केस में हमारे पास इंसुलिन नहीं होता या नहीं काम करता है, तो सेल को ग्लूकोज मिलता नहीं है। सेल डिपेंड हो जाता है एनर्जी के लिए फैटी एसिड्स पे। जब फैटी एसिड को मेटाबोलाइज करेंगे तो कीटोन बॉडी बनते हैं, कीटोन बनते हैं जो लेटर ऑन हमें हार्मफुल होते हैं हमारे बॉडी के लिए। अब इसको हम दो अलग अलग एग्जाम्पल समझते हैं। इन वन केस एक इंसान है जो 10-15 से 25 साल का है और उनके पास डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है। अगर ये डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर इसको रिकॉग्नाइज करेगा टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस बिकॉज डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है और एज 15 से 25 साल का है तो डायबिटिक टाइप 1 समझेंगे। जब भी टाइप 1 होगा तो वो इंसान उसको इंसुलिन देंगे बिकॉज टाइप 1 है तो इंसुलिन देंगे, इंसुलिन डिपेंडेंट है। धीरे धीरे 10 से 15 साल में इनकी इंसुलिन डिपेंडेंसी कम हो जाती है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो टाइप शुरू हुआ था टाइप 1 से, जब हम इंसुलिन काफी ले रहे थे तो इट वॉज इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1, बट लेटर ऑन इट बिकम्स इंसुलिन इनडिपेंडेंट। डिपेंडेंसी खत्म हो गई तो इंसुलिन इनडिपेंडेंट हो गया, तो यहाँ आकर टाइप 2 हो गया। तो दिस डायबिटीज मेलाइटस इस केस में ये टाइप 1 से शुरू हुआ था बट 10 से 15 साल में टाइप 2 बन गया, इंसुलिन इनडिपेंडेंट हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं टाइप 1.5। और बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विथ डायबिटिक कीटोसिडोसिस इसको बोलते हैं कीटोन प्रोन डायबिटीज। ये टाइप 1.5 ही है बट बिकॉज स्टार्ट्स विद टाइप 1। अब कीटोन प्रोन कहेंगे किसको, वो डायबिटिक मेलाइटस जो स्टार्ट्स हुआ था टाइप 1 मेलाइटस से विद कीटोएसिडोसिस बट लेटर ऑन इट बिकम्स टाइप 2, उसको बोलेंगे कीटोन प्रोन डायबिटीज। सिमिलरली अनदर कंडीशन इज एक इंसान है जो 30 से 35 साल का है विथ रैंडम हाई फास्टिंग ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड शुगर, इसको हम ट्रीट इसको रिकॉग्नाइज करेंगे डॉक्टर एज ए टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस और इसको सजेस्ट करेंगे ओरल डायबिटीज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। बट धीरे 5 से 10 साल में ये इंसुलिन की तरफ बढ़ने लगते हैं बिकॉज इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बॉडी को होने लगती है और इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ शुरू हुआ था टाइप 2 से बट स्लोली इट बिकम्स इंसुलिन डिपेंडेंट दैट इज टाइप 1। तो इस केस में थोड़ा उल्टा हो गया, स्टार्ट हुआ था टाइप 2 से, रिकॉग्नाइज किया गया था टाइप 2 बट लेटर ऑन इट बिकम्स इंसुलिन डिपेंडेंट सो इट बिकम्स टाइप 1। यहाँ भी 1 और 2 के बीच में है तो इसको हम 1.5 बोलते हैं। और दिस इज एक्चुअली एलाडा, इट इज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस विच वॉज मिस डायग्नोस्ड हियर एज ए टाइप 2। टाइप 1 ही था बट उसको गलत डायग्नोज किया गया एज ए टाइप 2। सो और लेज ऐसे था सो इट इज लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट सो दिस इज एक्चुअली एलाडा। अगर आप यहाँ देखेंगे दिस इज टाइप 1, टाइप 2 एंड डबल डायबिटीज। डबल डायबिटीज इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दोनों तरह के डायबिटीज के फीचर्स होते हैं, टाइप 1 के भी फीचर्स होते हैं, टाइप 2 के भी फीचर्स होते हैं। और इसको मिक्स भी बोलते हैं, हाइब्रिड भी बोलते हैं, सो अलग अलग नाम्स हैं इसके। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस स्टार्ट विद ऑटो एंटीबॉडीज, वेट लॉस, दीज आर द साइन एंड सिम्पटम्स, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, इंसुलिन थेरेपी चाहिए होता है और कीटोसिडोसिस होते हैं। इनकेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस डिसलिपिडेमिया बिकॉज ऑफ लिपिड, इट इज गोइंग टू कॉज इंसुलिन रेसिस्टेंस एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज इंक्रीज हो जाते हैं। In case of double diabetes, it is having insulin resistance also and autoimmunity also. So it is having both the features. एक दूसरे अलग तरह का diabetes जो है जिसको बोलते हैं type 3 diabetes mellitus. This is called because of hyperchromatosis. This type 3 diabetes mellitus is called because of it is having a relationship with Alzheimer's disease. अब इसमें होता क्या कि अगर हमारा brains neurons में insulin resistance हो जाए तो ब्रेन नॉर्मली ग्लूकोज पे ही डिपेंड रहता है। 20% ग्लूकोज हमारे बॉडी का जो होता है वो ब्रेन से यूज करता है और ब्रेन से कोई उसके अलावा कोई और दूसरा सोर्स नहीं यूज करता, वो इंसुलिन ही ग्लूकोज ही यूज करता है। अगर ब्रेन में इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गई तो ब्रेन को ग्लूकोज यूज नहीं कर पाएंगे और इंसुलिन नहीं यूज कर पाएंगे तो ब्रेन का जो नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो जैसे पर्सन में मेमोरी लॉस हो गया बिकॉज ऑफ एनर्जी सोर्स नहीं है सेल को, तो सेल सही से काम नहीं करेगा तो मेमोरी लॉस हो गया, रीजनिंग पावर लॉस हो गया, जजमेंटल और अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो अल्टीमेटली अल्जाइमर्स डिजीज के लक्षण हैं। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस अगर ब्रेन में हो गया जो अल्जाइमर डिजीज के, तो अल्जाइमर डिजीज हो जाता है टाइप के नेचर्स आते हैं। तो इट इज देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अल्जाइमर डिजीज एंड इंसुलिन रेसिस्टेंस इन ब्रेन। तो ये कुछ कुछ सिमिलर है टाइप 2 के, जहाँ इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है
टाइप थ्री में इंसुलिन रेसिस्टेंस सिर्फ ब्रेन में होता है, टाइप टू में इंसुलिन रेसिस्टेंस पूरे बॉडी में नॉर्मली होता है। तो दिस इज टाइप थ्री। एक और तरह के डायबिटीज मिलेटस जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज डायबिटीज। इन केस इस केस में हीमोक्रोमेटोसिस एक कंडीशन होता है जिसके कारण बॉडी में एक्सेस आयरन को हम एब्जॉर्ब करते हैं। जब एक्सेस आयरन एब्जॉर्ब बॉडी करेगा तो वो आयरन हमारे स्किन पे दिखेगा, जो किसी गलत जीन के कारण होता है। तो जब हमारे बॉडी में स्किन पे आयरन आते हैं तो जिससे हमारा बॉडी थोड़ा ब्राउन ब्राउन नजर आता है, इसीलिए इसको ब्रॉन्ज डायबिटीज मेलेटस बोलते हैं। तो इसमें ग्लूकोज नॉर्मली लेटर ऑन जाके ग्लूकोज की एबनॉर्मलिटी हो जाती है, हाइपरग्लाइसेमिया कॉज होता है, बट बिकॉज इट इज कॉज मेनली बिकॉज ऑफ आयरन, एक्सेस आयरन इन दी बॉडी, सो दिस इज कॉल्ड एज ब्रॉन्ज डायबिटीज। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलेटस और डायबिटीज। सो होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा लीजिए, दैट ऑल द नोटिफिकेशंस यू विल गेट ऑन टाइम। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।